हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवेज अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपने नियम में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहती है, लेकिन कुछ यात्री रेलवे को ही चूना लगा देते हैं। आज के वीडियो में हम यात्रियों के एक ऐसे जुगाड़ को जानेंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन रेलवेज के लगभग सभी जोन ने अपने अपने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 5 गुना बढ़ा दी है। यानी कि 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपए में मिल रहा है, जिससे कि कम से कम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ सकें। लेकिन दोस्तों, यात्रियों ने रेलवे के इस नियम का तोड़ निकाल लिया है और रेलवे को ही चूना लगा रहे हैं। दोस्तों, घटना ग्वालियर रेलवे स्टेशन की है, जहां यात्री लोग 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बजाय 10 रुपए का नजदीकी स्टेशन के पैसेंजर ट्रेन का टिकट खरीदकर प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात का पता इस तरह से चला कि हर दिन वहां से 2000 से 2500 प्लेटफॉर्म टिकट बिकते थे, लेकिन मात्र 300 प्लेटफॉर्म टिकट ही बिक पाए। तब रेलवे ने इसकी जांच शुरू की और वहां से 10 यात्रियों को पकड़ा जो अपने रिलेटिव को छोड़ने आए थे। जब उनके टिकट को चेक किया गया तो उनके पास से नजदीकी स्टेशन के 10 रुपए का पैसेंजर ट्रेन का टिकट मिला। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सभी यात्री इसी तरह से 10 रुपए के टिकट लेकर प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यात्री लोग ही रेलवे को चूना लगा रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत ही तरीका है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।